सिंपल से दिखने वाली मूंग की दाल को इस तरह से अगर बनाओगे ना, तो 2 रोटियों की जगह 4 रोटियां खा जाओगे, इतनी बढ़िया ये दाल बनती है। वही प्याज और टमाटर वाली दाल को खाकर हो गए हो बोर, तो बनाइए इस तरह से मूंग की दाल। ये दाल इतनी बढ़िया बनती है कि आप कुछ खास ओकेजन पर इसे बनाना पसंद करोगे। मूंग की दाल बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप इतना मूंग, तो इसे हमें हल्का सा सेकना है बस 1 मिनट के लिए। इसे हमें डार्क कलर आने तक नहीं भूनना है। और जब हम इस तरह से भूनकर मूंग कुकर में लगाते हैं ना, तो इसकी एक सोंधी सी खुशबू आती है जिससे सब्जी बहुत बढ़िया बनती है। तो देखिए, मैंने इसे एक बार सेक लिया है और इसे मैंने धोकर भी ले लिया है। और साथ ही ला रही हूँ 3 कप इतना पानी, तो 1 कटोरी मूंग के लिए हम 3 कटोरी पानी लेंगे। और 1/2 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ तेल और 1/2 ही चम्मच हम नमक डालेंगे। तो इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं और कुकर की 4 सीटी आने तक हमें इसे बॉईल कर लेना है। तो देखिए, कुकर की 4 सीटी हो चुकी है, कुकर भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम दाल को चेक कर लेते हैं, दाल कितनी बढ़िया तरीके से गल चुकी है। अगर हमें लगे कि दाल बढ़िया तरीके से नहीं गली है, तो हम कुकर का लीड लगाकर 1 सीटी और निकाल सकते हैं, जिससे दाल परफेक्ट कुक हो जाएंगी। तो चलिए दाल की रेसिपी देख लेते हैं। दाल बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल, उसी के साथ ले रही हूँ 1/2 चम्मच इतना जीरा। तो देखिए, जीरा फूट रहा है। और साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता और उसी के साथ 1 हरी मिर्च मैंने बीच में से कट कर ली है। तो इसे हम 1/2 मिनट के लिए चला लेंगे। और उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन, तो इसे मैंने क्रश कर लिया है, इसे मैं ऐड कर रही हूँ। अगर हम चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं। इस समय हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर हमें अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, जब लगे अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है, तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैं किस कर ऐड कर रही हूँ, तो देखिए टमाटर को भी मैं अच्छे से भून रही हूँ। और उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और साथ ही हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच इतना नमक, जिससे टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा। और इसे 1 से 2 मिनट बाद चलाने के बाद इसमें से तेल निकलना आ जाएगा। टमाटर जब अच्छे से गल जाता है ना, तो उसका तेल निकल कर आता है। तो जब तेल निकल कर आ जाए ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। मैं 2 चम्मच इतनी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, आप आपके स्वादानुसार ले सकते हैं। और उसी के साथ हमें डालना है धनिया पाउडर 1 चम्मच। तो देखिए, सूखे मसाले हमने डाल दिए हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम एक पेस्ट बनाएंगे, जिसकी वजह से दाल बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो इस पेस्ट को बनाने के लिए हमें 1/2 कप इतना नारियल चाहिए। मैंने सूखा वाला नारियल भून दिया है। नारियल हमें बिल्कुल हल्का सा भून लेना है। और साथ ही डाल रही हूँ 1 प्याज को मैंने तेल के अंदर अच्छे से चला लिया था ब्राउन कलर आने तक, तो इसे भी मैंने डाल दिया है। और इसके हमने पेस्ट बना ली है और उसी पेस्ट को हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसके तो इस पेस्ट को ना हमें मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, इसके अंदर हमने सूखा नारियल डाला है ना, तो तेल भी निकल कर आएगा। तो देखिए, मसालों को हमने अच्छे से पका लिया है। और इसे हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर लीड लगाकर छोड़ देंगे, जिससे सभी मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। आपने इस तरह से दाल नहीं बनाया है, तो आप इसे बनाकर देखिए, ये बहुत बढ़िया बनती है। और जो हमने मसाला बनाया है ना, ये रोटी के साथ में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मसाला अच्छे से भून चुका है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे मूंग की दाल। और साथ ही साथ हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो गर्म पानी में ऐड कर रही हूँ। दाल के थिकनेस के हिसाब से हमें पानी ऐड करना है, तो 1/4 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। इसे हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच इतना गर्म मसाला और उसी के साथ इसमें डाल रही हूँ धनिया के पत्ते। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इसे लीड लगाकर बस 1 मिनट के लिए हमें पका लेना है। तो देखिए, लो फ्लेम पर हमने दाल को पका लिया है, इसकी वजह से इसका तेल भी अच्छे से निकल कर आया है। तो इसे हम अब सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हो दाल का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो दाल मखनी अगर आप पसंद करते हो ना, तो आपको ये दाल बहुत पसंद आएगी। और जिसे मूंग की दाल पसंद नहीं है ना, वो भी ये दाल पसंद करते हैं, इतना बढ़िया इसका टेस्ट आता है।
इस दाल को बनाते समय बस दो से तीन बातों का ध्यान रखना है हमें। मूंग को जब हम सेकते हैं ना, तब बिल्कुल हल्का सेकना है, या मूंग तेज़ गर्म हो जाए बस इतना ही हमें सेकना है। और इसके अंदर जो गरम मसाला मैंने यूज़ किया है वो एवरेस्ट का यूज़ किया है, तो आप भी इसे यूज़ कीजिए, जिससे दाल बहुत अच्छी बनेगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही साथ रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलेंगे सबसे पहले। इसी तरह से हम मिलेंगे और भी नई नई और आसान रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।